तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, अभी हम हैं सोनेरी महल में। अंदर चल के देखते हैं गाइस, सोनेरी महल क्यों कहा जाता है। इस पैलेस जैसी जो दिखाई दे रही है आपको, उसको सोनेरी महल क्यों कहते हैं, ये थोड़ा सा जानते हैं। तो गाइस, सोनेरी महल के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको ऐसा कुछ नज़ारा दिखाई देगा। जो है बोर्ड, ये है बोर्ड, इसमें ये जानकारी। ये है गाइस इस सोनेरी महल की थोड़ी सी जानकारी, जो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो गाइस। और ये जो बेंच लगी है गाइस, यहाँ पे आप फोटो खिंचवा सकते हो, यहाँ पे बैठ के। वो सोनेरी महल सामने आपके ठीक पीछे, बहुत अच्छी फ़ोटो जो है आप खींच सकते हो इससे। तो थोड़ा सा वॉक अराउंड जो है कर लेते हैं हम इस सोनेरी महल का गाइस। तो चलिए देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। शुरू करने से पहले गाइस, जो मैंने आपको इस बोर्ड के बारे में, मतलब इस सोनेरी महल के बारे में जो जानकारी है, वो बोर्ड तो दिखाई दिया हूँ। ये जो बोर्ड है, एक इंग्लिश में लिखा है और एक मराठी में लिखा है। हिंदी में तो नहीं लिखा है गाइस, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो और मराठी में भी पढ़ सकते हो। वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़ेगा, ये सोनेरी महल के बारे में है। और ये है गाइस फाउंटेन, जो अभी तो फ़िलहाल चालू नहीं है। ये फाउंटेन जो है, बारिश के टाइम में, मतलब रेनी सीजन के टाइम में, ये जो फाउंटेन है वो चालू करते हैं, मतलब फाउंटेन को जो है काम में लाते हैं। तो अभी अभी के टाइम में तो फ़िलहाल अभी ये फाउंटेन जो है बंद है। आप देख सकते हो मेरे ठीक सामने है सोनेरी महल, माफ़ कीजिएगा गाइज, अंदर का तो मैं आपको उसका जो सोनेरी महल का अंदर में क्या है वो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन कोशिश करूँगा क्या है अंदर और क्या नहीं है। तो चलो गाइज देखते हैं चल के। ये देखिए गाइज, ये है सोनेरी महल, यह है सोनेरी महल। देखिए गाइज, हम अभी ठीक वहाँ से आए एंट्रेंस, और यह है फाउंटेन्स पूरी लाइन में। तो ये फाउंटेन्स में है ना गाइज, बारिश के टाइम में मछलियाँ भी डाल के रखते हैं। मछलियाँ बहुत, मतलब बारिश के टाइम में अगर आप आओगे तो बहुत सारी मछलियाँ हैं आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ऊपर की ओर चलते हैं। और ये मुझे लगता है गाइज, ये पानी का जो ये है, पानी का प्लेटफॉर्म है, ऊपर से पानी नीचे आता है, नीचे से होके पानी सीधा फाउंटेन में जाता है, इधर फाउंटेन में जाता है। और ये इधर का लॉन है, इधर का लॉन देख सकते हो आप। चलते हैं ऊपर की ओर। ओके ओके गाइस, तो ये है पानी का लॉन। ये भी एक फाउंटेन है गाइस, ये देखिए, ये है फाउंटेन। तो यहाँ से पानी सीधा नीचे इधर इसमें आता है, और यहाँ से होते होते गाइस पानी ऐसे नीचे उतर के यहाँ से होके पानी जो है उस फाउंटेन में जाता है। तो अभी चलते हैं। यहाँ भी गाइस तोप आपको देखने को मिलेगी, ये है गाइस तोप, ये है तोप, देख सकते हो गाइस, ये है तोप। और पर पर्सन ही गाइज आपको 10 रुपया, 10 रुपीज़ पर है, 10 रुपीज़ है, और छोटे बच्चे के लिए 5 रुपये है। और अगर फॉरेनर्स यहाँ आते हैं तो 100 रुपये आपको उसका देना पड़ेगा। फॉरेनर्स के लिए 100 रुपीज़ है पर हेड, और हम इंडियंस के लिए 10 रुपीज़ पर हेड। ये देख सकते हो गाइज, ये है गाइस। तो मैंने आपको कहा था दोस्तों कि अंदर की ओर आपको कैमरा अलाउड नहीं है, वीडियो शूटिंग जो है आप नहीं कर सकते। फिर भी अंदर देखने लायक बहुत कुछ, ऐसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं गाइस जो आप देख सकते हो। तो कैमरा तो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सका कि अंदर क्या क्या है, लेकिन मैं आपको
थोड़ा सा मतलब ऐसा एग्जांपल दे देता हूँ कि अंदर क्या क्या है। अंदर बहुत सारे ऐसे प्राचीन चित्रलेख है, अंदर जो हमारी देवनागरी लिपि है जो संस्कृत में लिखा है वो आज से लेकर मतलब 12वीं से 13वीं शताब्दी की जो पेंटिंग्स है वो भी बहुत सारे है, और मूर्तियाँ भी बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिलेगी। तो अब वीडियो शूटिंग तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि अलाउड नहीं था कैमरा अंदर, देख सकते हैं गाइस सोनीर महाराज।